Thank you.
और शिशु को पढ़ता है कि
इसका तो भाग गए थे गुरु की निष्ठा का पता नहीं करके गुरु का आदेश पालन करना पड़ेगा। नीचे उतर करके आ जाए तो साथ ले जाते और वो भी बड़े मजेदार बात है कि इतने 3000 फुट ऊंचाई पर एक चोटी पर एक छोटी सी जगह 2-3 मीटर जगह उतर करके देखा कि बाकी नहीं छोड़े क्या बच्चे दूध पी रहे बाकी बच्चे तो इतने शिवाजी ने आकर खड़े हो गए बढ़ता हाथ में बाकी नहीं छोड़ी थी मुंह उठा के उसके और देखा देख करके फिर कुछ गए फिर शिवाजी आकर के बैठ गए बच्चों जैसे बाकी बच्चे दूध भी रहे थे वहां जाकर हॉस्पिटल से दूध निकाल रहे थे दूध निकाल रहे ले करके अपन खड़े गुरु जी को जाकर क्या गुरु जी क्या दूध पिए बात तो ये परीक्षा क्या ये मेरा शिष्य शिवाजी ये दूध ला सकता है या नहीं बुद्धि का पोषण और शक्ति यहाँ कोई नहीं शक्ति नहीं आत्मविश्वास आत्मबल गुरु के इस प्रकार गुरु सेवा गुरु के प्रति निष्ठा और भजन का प्रशेष फल करते चलते सदा नियम और पवित्र और ऐसे परमात्मा का स्मरण करता है तब हर कोई काम करके आता है सब के नजदीक के आता है तो ऐसे व्यक्ति के हृदय है जब उनका निर्मल होता सुंदर होता तब भाव है हमारे भजन का मुकुश केवल किसको भगाते ही हृदय तो शुद्ध होगा प्रभु की सेवा की प्राप्ति तो सेवा की प्राप्ति कैसे तो इन कथाओं को सुने बिना लोग भी नहीं होगा और बिना लोग के भक्ति में प्रभु सुने इसकी सुनना ये माध्यम होता है जैसे मुखर जी ने कहा कि ये औषध क्या है मेडिसिन हम जानते हैं फिर भी उसकी क्रिया और अपने आप क्रिया बता करके सुंदर बना देता है इसलिए मेरे मन के लिए आए श्रीमद भागवत श्रद्धा होगा उन्हें श्रीमद भागवत जी
और उससे आश्रम माना जाते थे। सब ने ऐसे आदेश किया कि मैं तुमसे उत्तराष्ट्र के बात भी बोल अरे बात के आए इसके मेरे समय तो देखिए माता यशोदा रोज दिन देती है और रोज दिन सुनती है कुटियों की बुलाना। उनको बड़ा शर्म लगता है कि कृष्ण कन्हैया हमारे बालक है राजकुमार के। राजकुमार रोज घर घर में चला जाता है, दूसरों के घर में जाकर के खाता है और फिर और क्या करता है, नफरत करता है, परेशान करता है, चौथा बढ़ता तोड़ता है, चोरी करता है, बचपन से चोरी करता है, क्या है बड़ा रोग करके सरकार बड़ी परेशानी खड़ी हो। लोग क्या कहेंगे हमारा ये की बालक को कोई नहीं सुन रहा, उसके जीवन में सुधार लाए एकदम की आदत पूरी आदत की तरह तो कभी अच्छा नहीं लगता। जब तभी भगवान गोपियों के स्नेह में प्रेम के कुछ में उनके बुलाने में और जो इनके बहाने घर घर जा रहे हैं और छत चला रहे ये तो लीला है। परंतु लौकिक भाव में यशोदा माता नंद बाबा और ब्रजवासी माँ यशोदा को सबसे बड़ी चिंता है। हमारा बाबा चोरी करेगा और बदनामी होगा कि उसके माँ ने बचपन में उसे सिखाया था, इसलिए ऐसी गलतियां पड़ी है। यह आपको छोड़ा जाए परंतु उनको भी मौका नहीं मिला है। घर की राशियां काम करने वाली महिलाएं माँ यशोदा को कोई काम करने नहीं देती। देखा एक दिन का एक मौका है दीपावली का उत्सव आया है और दीपावली को घर घर में क्या होता है सफाई साफ सफाई होता है, वहां घर में बत्तियां जलाई जाती है, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। और सभी को घर घर में काम करना पड़ता है, इसी बहाने यशोदा मैया ने सबको भेज दिया। जबकि माँ यशोदा घर में अकेली है, उन्होंने गाय का दूध काट करके जो सुगंधी धवली श्यामली बिसर की आदि गाय तो ये सभी गायें जो है पद्मगंधा गाय जिनका दूध भी अतिव सुगंध युक्त है अति उत्तम। और यह रोग नहीं होगा, वेद में कहा है सुरभि विष्ट जत्र भूल सिंह का बाबू और बोले कि जहां बड़ी बड़ी सिंह वाली अति उत्तम गाय सुरभी गाय जिनको माताओं के स्तर से दूध अलग अलग झरता ही जाता है और दूध की कमी नहीं। भगवान कृष्ण भी दूध बात कर रहे हैं और सभी को दिखा रहे हैं ये दूध यशोदा मैया के दूध की नहीं है और यशोदा मैया ने गायों का दूध काट करके दही जमाया और उससे मक्खन निकाल करके जबकि कृष्ण दुनिया को खिलाएंगे ताजा मक्खन निकलेगा, खट्टा भी नहीं होगा, बढ़िया होगा, कृष्ण खा लेंगे। इसलिए माता यशोदा का ये सारा कार्यक्रम था। परंतु कृष्ण कन्हैया ने क्या किया, उस दैव जब चला दी और उसी समय यशोदा मैया दूध उतारने को चली गई और ईद आके कृष्ण कन्हैया ने दही के बर्तन को फोड़ दिया।
जिसके घर में सारा लक्ष्मी है। जो भी प्राप्त हुए उसने नाश्ते पूछते हुए जबकि जिस घर में मक्खन है और सीते में बर्तन उठा के रखा है, क्योंकि ये बच्चे और बड़े बर्तन हो गए, सब इधर उधर थोड़ा खड़ी करता है फेंकता है, इसलिए ऊपर भी लड़का के रक्षा वही सिक्कों में इस सारे बर्तनों में मक्खन जितना मठा निकलता है सारे फेंके जाते हैं, उसका स्वरूप है। नौदा गाय जिनके है दूध की तो कमी नहीं है, भगवान कृष्ण जा रहे हैं परमात्मा के दूसरे की स्वरूप है। बोले कि बोले दूध की कमी नहीं था, एक सब है प्रश्न आया पेपर में नीम पेपर में, बोले दूध कहां से आता है। अलीगढ़ में एक महिला पुरुष के पास छोड़ा नासी होंगे तो उसको रोज दिन आठ लीटर दूध होता मिल होता है उसका। तो आठ लीटर दूध नहीं होता मशीन से दूध निकलता है, बच्चा तो पी नहीं सकता है। और डॉक्टर हैरान में आके नींद पे पड़ दिया दूध कहां से आता है, आदमी का दूध रोज दिन होता है, तो क्या ये खून से दूध बनता है से या पानी से। एक महीना के अंदर कितना ब्लड और कितना पानी होगा, मुश्किल से 8-10 लीटर ब्लड और पानी भी कैसे 8-10 लीटर इसका दिन तो होता ही नहीं। आदमी का दूध यदि ब्लड से निकल गया दूसरे दिन क्या मिलेगा, और 4-5 दिन बाद में लड़की तब सुन जाएगी खत्म हो जाएगी। पानी से यदि दूध आता है पानी भी शरीर में कितना है, तो ये युक्ति तो सुन नहीं होता है, तब ये कैसे सुन। सभी डॉक्टरों ने ये देखा भी इस पेपर में दिया कि सब तो पढ़ना पड़ता है पुराणों की बात कि भगवान विष्णु क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और वहीं से दूध आता है, दूध का स्रोत किसी को पता ही नहीं। क्षीर समुद्र जो वेदपोषण कार्य है वहां से दूध का धार चलता है, जब माँ का बहनों में स्नेह अमृत प्रेम होता है वास्तव भाव बनता है तो अपने आप दूध आता है। जब परमात्मा विष्णु जो क्षीर समुद्र में शयन कर रहे हैं सभी जीवों का पालन कर रहे हैं ऐसे भगवान विष्णु, और वही परमात्मा श्री कृष्ण अभी स्वयं दूर पान कर रहे हैं तरह तरह के लीलाएं कर रहे हैं। तो दूसरे घर में प्रवेश करके जब मक्खन चलाया चारों ओर मक्खन पर लुटाया बंदर को खिलाया सबों को खिलाया ठीक कल मंगल ने श्रवण किया हमें पूज्य श्री दामोदर महाराज जी ने कहा कि कृष्ण कन्हैया जबकि यशोदा मैया लक्ष्मी लेकर के आए खड़ी हो गई दरवाजे पर उस दिन से ही बंदर को ये भागने लगे। उस समय कृष्ण ने जो भी पीछे की ओर करके देखा यात्री इंद्र ने खुद के सामने खाया भगवान कृष्ण को भाग के जा रहे और यशोदा मैया भी आज दौड़ रही है, भले ही शरीर से थोड़ी स्थूल तो है ही फिर भी समझ में आज शरण पर कोई है से को छोड़कर यशोदा मैया दौड़ रही है। बोले कृष्ण के पीछे किसने दौड़ा, सबसे पहले देखा जाए तो हिरण हिरण राक्षस दौड़ा। जब भगवान
तब मेरा नाम से देता है आहुम बड़ा को चरण मुरेगर अरे बड़ा आशीष करो अरे क्या भजना है अपने बच्चे के साथ भजना है आजा आजा पहले मेरे साथ लड़ाई कर लो इसके बाद में भजना भगवान की और बहुत तेजी से दौड़ता है भगवान विष्णु को पकड़ते हैं पकड़ उसने इसे फिर भागता हुआ आया इसलिए मैं भगवान ने पृथ्वी को पानी के रूप में नाव की तरह धर दिया रणु के मनुष्य लौट कर के बोले ये पागल नहीं कर महापुरुष डरो जो डर को बता रहे हैं उपवास करता है भीम पुरुष का भी ऐसे पागल की तरह होता है यदि मिलता है ताकत से आ जाओ मैदान में तो काफी तमाशा लगाए लड़ते लड़ते ब्रह्मा जी ने ऐसे प्रार्थना की प्रभु देखो के साथ इतने खेतों का सफर नहीं करने जा रहे हो गया था तो भगवान ने मारे में गांव पर कांपर के पर छप्पर मार दिया राम से गिर गया एक छप्पर भगवान को कौन दे सकता मथुरापुरी में आपका रास्ता से आगे पर 3 करोड़ जो सेना लेकर के आया चारों से थे भगवान को उसमें खा लिया नहीं रखते वहां पहुंच गए कार्य के सामने आते कार्य मंदिर से उड़ गया ले आए तो नीति कृष्ण है जरूर थी तुम्हारा नाम सुना बड़ा प्रधान भी पर तुम ऐसे ही लड़ रहे खाली हाथ चलो मैं तुम्हारे साथ खाली हाथ ही लड़ूंगा बिना हथियार के अरे आ जाओ मैदान में ऐसे हाथ पकड़ना चाहे तो कृष्ण ने हाथ से आगे बढ़ जाते 3 करोड़ यवन के नशेरा के साथ चारों से गिरे हुए कृष्ण आगे बढ़ते जा रहे हैं भाग रहे हैं सब दौड़ रहे हैं यहाँ से धुरदा पहाड़ में ग्वालियर है कितना दूर है तो इतने दूर का वो भागते ही रहे दौड़ते हैं एक पकड़ा पकड़ा पकड़ नहीं पाता है तो उन्हें काल के जरासंत ने भी तेज अक्षर से ना लेकर के कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़े कृष्ण बलराम को तो रामपुर की भगवान दौड़ते हुए चलती है एक पहाड़ पर चढ़ के जरासंत ने सारे सेनाओं को घेराबंदी लगा दी पर इन लोग आग लगा दो आग से रुक करके देखेंगे आग में जल भी खत्म हो जाए चलो उसका आग लगा दी भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों ने ऐसे छलांग लगाए कि एकदम सेनाओं के सेना से पार काफी दूर में जाके कूद गए और वहां से चले फिर द्वारका पहुंचे जरासंध को पता ही नहीं नहीं लगने दिया इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जो अचिंतन लीला है और उन्हें कौन पकड़ सकता है संसार में किसके सृष्टियां हुई थी सृष्टि सृष्टि के आदि से आज तक कोई भी उन्हें पकड़ नहीं सका इसलिए कहते ऐसे दृश्य को पकड़ने के लिए सभी दौड़े अजित भगवान को जीतने के लिए सभी लोगों ने प्रयास किया भगवान की असीम शक्ति जो कि अशुभ चेतन के रूप में और वही दौड़ रहे हैं पकड़ने के लिए बाहर गए दौड़ गए जो दीपाटे वर्ग करके क्या नहीं कर रहे हैं बड़ा पता करते हैं ले हमें पकड़ना है दौड़ना है आज कोई भी पकड़ नहीं और कोई चीज भी नहीं सकती इसलिए भगवान का नाम अजीत बन गया है इसलिए भगवान को अजीत कहा जाता है और ऐसे अजीत भगवान
श्री कृष्ण जो कि नायक नहीं तो कहीं भेजे गड़बड़ी करेगा
यशोदा मैया कृष्ण मैया को पालने के लिए माथे की रेशों की डोरी लगाई, उससे तो हुआ ही नहीं कि रस्सियों को गांठ हुई। एक ही तरह से करते रस्सियों का ढेर लग गया, नोवा फिर आकर पीछे की तरफ लाया, गांठ लगाने को दो मूर्ति का वही कमी हर रस्सियों में। और महिलाओं ने आज करके रस्सी का ढेर बना दिया, जोड़ती जा रही है और नहीं बात क्यों दोनों की गलत, जिसके दराके मतलब नहीं उसको कौन बांध सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को बांधना बड़ा कठिन था। छोटे से पतले से कमल कोई विराटों से प्रकाश नहीं किया, फिर भी ऐसे ऐश्वर्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया बात नहीं पाए। ऐश्वर्य शक्ति परीक्षा लेते लेते हार गई मैया यशोदा के पास। क्यों? ब्रजभूमि प्रेम की भूमि है, विशेषकर गोकुल उपासना और रस की भूमि है। सर्वत्र शरीर को जो रस है तो भी वास्तव रस के सामने ऐश्वर्य देवी प्रेम देवी ऐश्वर्य को प्रकटन करके परीक्षा ली, किंतु हार यशोदा मैया के सामने। हार मान करके जब दूर हट गई यशोदा मैया के प्रेम के सामने, ऐश्वर्य टिक नहीं सकता। प्रेम देवी ने मैया की परीक्षा ली, मैया के सामने हाथ जोड़ कर प्रणाम कर भोजन करते और कृष्ण के देव छोटे से पालन बने रहे। इतनी प्रेम की महत्ता, इनकी इतनी दृढ़ता, इतनी निश्चयता, आज भाव के क्षण भी यदि मैं नहीं मानू तो सारी दुनिया मेरी गाली सुनाए, हंसी मजाक करेगी। इसलिए मुझे बार बार बोला, सबके मना करने पर भी मां यशोदा नहीं मानती, नहीं नहीं मेरे बाप को आज भाव के रखता है, कैसे भी मानना पड़ेगा। सुबह से लगी हुई है, न जाने कितने दिन तक बांधते ही जा रही है, बांध नहीं पा रही है, सारा काम बड़ा होता है तो भी नहीं बांधते, पर सारी दुनिया है। इसलिए कृपया से संबंध में कृपा पूर्वक भगवान ने जैसे ही अपना हृदय को द्रवित कर दिया तो साथ ही साथ बंधन भी आ गए। सारी रस्सियां पड़ी रही पहली वाली रस्सी से, उन्हें काट लगा वो खम के पीछे पाला कि जैसे ये दुष्ट है वैसे वो खम भी दुष्ट है, दोनों दुष्ट को एक साथ पाला। मां का मतलब है कि पीछे हाथ नहीं पहुंचेगा, कांट छोड़ नहीं पाएगा, इसलिए कांट लगा के कस के कांट लगाया। जब उसे दौड़ो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं पात्र के लिए, बोले भाई होटलों को डबल कांट लगा हुआ है, संसार में एक तो होटलों की अपनी आसक्ति है कि पत्नी है स्त्री है,
बच्चे हैं, संस्कार हैं, इनको देख करके मोह होता है, आसक्ति होती है, तो ये हमारी पहली प्राप्त है। फिर वे लोग जो हमें छोड़ते नहीं है और हमें बात करना कहा जाओगे, जाने नहीं दूंगी। अब हर्षो लगा करके बैठे, मैं बदलूंगी योगी, 20 दिन करके मरू के हाथ लगा करके मर जाऊंगी, मैं जाने नहीं। तो बेचारे आदमी क्या करें, भजन करने को जाए और कभी एक गांड रह जाए तो थोड़े थोड़े तो खुल जाएगा ना, पर एक गांड लगाया था इसलिए खुल गया, पर डबल गांड फिर से डबल गांड लगा देंगे तो फटेगा क्या, खुलता ही खुल गया। संसार की काम है डबल गांड, हमारी आसक्ति और भूल होगी जो हमें छोड़ देते हैं, हम इसी में फंस गए हैं, निकलना तो चाहते हैं पर हम फंस नहीं पाते। प्रिया दशदा ने केवल एक बात नहीं लगाया, कृष्णियत के पीछे सुबह लगाने लगा, फिर मोहम्मद के पीछे जाकर के लगा, और एक एक बात से नहीं डबल डबल बात लगा दी। और कृष्ण दूसरा गांठे और भी लगा दी, पर बोले चले जो सुनिया ने माफ किया, जैसे कि वहां पर पीछे सब बच्चे खड़े थे, डरने वाले सामने नहीं आते थे, भैया यशोदा पास जैसे गई है काम के लिए दौड़ करके जा रही है, बच्चे सब आ रहे खोलने के लिए, अब कुछ खोल नहीं पाए। मेरे पास सब वर्ष का मतलब बड़ा मजबूत है, मतलब दस वाले भी खोल नहीं पा रहे हैं, सशस्त्र वाले के सशस्त्र वाले खोल नहीं पा रहे हैं। क्यों बोले, ट्रेन में एक से एक लेवल होता है, राष्ट्र से सात से राष्ट्र, राष्ट्र से सत्र, सत्र से वास्तव होता है, और वास्तव से ऊपर भी मधुर है। तो राजा जी की तो बात थी, उनको भी स्नेह प्रेम हो रहा है कि अरे कृष्ण प्रिया को भूख लगता है, भैया जसो लगे मूर्खा चुरा लिया खा लिया था इसलिए माने मान लिया, और उसको मैं खिलाया चल रही जिसके भैया की मान चलो बोलते हैं, पर उन्होंने वास्तव रस पर कोई अपना कट्टर नहीं लगाया जो खोलने का प्रयास नहीं, और सखाओं ने सोने का प्रयास किया खोलने से सच्चा रस के द्वारा वास्तव रस के द्वारा तो खुलाई नहीं। पीछे से बढ़िया दूसरी बात इधर में क्या करना, जो कि भागवत जी ने पुनः पुनः यही बात कहते हैं, भक्तों का सारा भगवान की कृपा, ये दोनों ही रस्सी, ये दोनों ही चाहिए, एक से नहीं होता, केवल हम साधन करके भगवान को पा लेंगे, भक्ति को पा लेंगे, कदा भगवान की कृपा ये बिना संभव है, भगवान की और बैंकरों की कृपा चाहिए, उनकी कृपा के बिना है उनको बात नहीं सकते, और अपनी साधना भी चाहिए, अपना साधन इसलिए कि हमारा परिश्रम, हमारी निष्ठा, हमारी भावना ये तो दे है, तब तो बड़े बड़े प्रसन्न हो। गुरु जी कोई बात कहते हैं कि हमने देखा है सुनता राधन से, गुरु जी कहते हैं देखो जवाब लग रही है उनमें जो कुछ भी हुआ हो, पर हमारे साथ में रहने वाले ये लड़के ये बच्चे सब हमें छोड़े गए, हमारे प्रति इतनी निष्ठा रखते, हर घड़ी घड़ी हर पल हर कामों में आगे बढ़कर के गुरु जी का भी समय बहुत स्नेह प्रति हुआ है। यही है पार्षद उसके, और क्या चाहिए, गुरु से क्या मतलब है, गुरु से क्या मिलेगा, सेवा करने से क्या मिलेगा, मेहनत करे परिश्रम करे कुछ भी करे उनका स्नेह तो मिलेगा ना, संसार का स्नेह माता पिता स्नेह करे ये वो मन भाव है,
और गुरु का स्नेह क्योंकि भगवान की ओर पहुंचा गया और प्रेम का स्नेह होता है। बोले गुरु के प्रति निष्ठा गुरु का आश्रय हो चलाए माता पिता और अपने बच्चों के प्रति माता पिता की कितनी भावना होती है। दूसरों के बच्चे के प्रति इतना होता थोड़ा बहुत आदत रहेगा अपने बच्चे में जितना मोह जितने प्रति है उतना दूसरों के प्रति होगा। और इससे सही अधिक गुरु होगा जब उसका स्नेह होता है उसका चिंता जब उनका हमारे प्रति स्नेह प्रति होता है तब अपने आप हृदय में भक्ति भाव जागृत हो जाता है अपने आप हो जाता भक्ति अपने आप प्रकाशित हो जाता है। साधन के द्वारा हृदय को बनाना इसलिए इस तरह करके ये बातें आई भक्तों की साधना और भगवान की कृपा हमें साधन करना पड़ेगा। हम इतनी सेवा कर रहे हैं गुरु हमारे प्रति प्रसन्न रहे हमारे प्रति उनकी अहित की करुणा है जिसकी प्रेरणा संसार की करुणा हमने तो बदलन में और नरक में और और जब तक ये कृपा नहीं होगी तब तक भक्ति नहीं जाएगी। इसलिए भक्ति को साधन से तरह ले करके बड़ी ऊंची बात है और कई लोगों को यह हजम होना बड़ा कठिन काम है परंतु अधिकांश लोग मेरे यहाँ के जितने भक्त हैं सभी को देख रहा हूँ सभी बड़े खुश हैं। तो हमारा उद्देश्य और कुछ था जिसमें कि हमें कुछ यह अनुशीलन हो जाए कि हमें कुछ डाइजेस्ट हो कुछ हम समझ जाए तो इसके और हमारी मन में बड़ी इच्छा है कि हम गुरु जी को सुनाएंगे गुरु जी के पास बैठ करके हम सुनाते रहेंगे पर तो मौका ही नहीं मिल रहा है तब हो पा रहा है समय स्थिति के देखते हुए गुरु जी के पास और कब तक कोई विशेष बातें होती है वहां जाने से बोला होता है और विस्कुंते और ऐसे ही रहा है हम लोगों का तो मेरी बड़ी इच्छा थी तो गुरु जी को सुना नहीं पा रहे हमारे साथ सभी वैष्णव जैसे हमारे पूज्य गुरु जैसे सभी रहते हैं सब उनके साथ है हम कुछ पढ़ते रहे हमारे बच्चे जैसे हम छात्रों को कुछ अभ्यास करें। देखिए श्रुतियां जैसे जमुना की रानी गोपी भाव में आरिष्ट होकर भजन करती है कृष्ण को पाने के लिए तो कृष्ण की प्रार्थना करती है तो श्रुति स्तर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना तो उसमें सृष्टि के प्रार्थना में जैसे भगवान इसको शयन करते हैं और उन्हें जगाने के लिए जैसे लक्ष्मी जी प्रार्थना करती है और भगवान को जगाते हैं लीला में ऐसे भगवान श्री कृष्ण जब की ब्रज में लीला करते हैं यहाँ तो ब्रज लीला में अष्टकालीय लीला है उनमें भी रात्रि काल में भगवान जब शयन करते हैं तो वो कैसे शयन करते हैं और उनको कैसे ले जाते हैं तो ये सब वर्णन हुआ है कि भगवान कृष्ण शयन तो करते हैं उनको नींद आती है क्या
जब आत्मा में जागृत स्वप्न सुषुप्ति यानी ये तीनों अवस्था जो प्रकृति का है, जागृत हम जगे फिर नींद में हम आदि नींद में हम स्वप्न देखते हैं, सुषुप्ति गाढ़ी नींद में हम सोए हुए हैं, तो ये सभी प्रकृति के गुणों के कारण हमारे अंदर ये सब होगा। प्रवेश नहीं होता कि वो गोलियां जो मंजरिया है वो प्रवेश कर निरंतर आदि के साथ क्रिया विनोद करते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रिया मौजूद करते हैं आदि के साथ बरसते बरने हे सखी राधे हे नीता मेरी राधे हे विश्वभर नंदिनी इस समय तुम्हारे कारण श्री कृष्ण समय पे बैठ कर तुम्हारा नाम लेते तुम्हारे नाम का जप करते पश्चति पंथाम तुम्हारे मार्ग इधर उधर देख रहे हैं कौन तुम आओ कहीं पदों के गिरने से छटपटाहट के आवाज होने से चौंक जाते हैं कहीं राधा तो नहीं आई। इस प्रकार तुम्हारे लिए बड़ी उत्कंठा और ऐसे कृष्ण के लिए तुम्हें जल्दी चलना चाहिए। इस समय विलंब नहीं करना मात्र विलंब जाने में विलंब प्रतिष्ठित जाओ इंद्रा कह करके सखी राधा जी पुष्प जाने करती देव संगति राधे इस अवसर को कहने से कृष्ण खुश होते हैं कितने आनंदित होते हैं। इस प्रकार से राधा जी को पूर्व स्मृति कृष्ण की सारी लीलाओं का स्मरण कराकर उन्हें आभूषण धारण कराती सजाती और सजाकर ले जाती परंतु राधा जी से यह नहीं कहा कि कृष्ण वंचित हो गए तुम्हारे कहते तो राधा जी भी तो मेरा में वंचित हो जाएगी तब तो सारे लीला समाप्त हो जाए। इसलिए मैं लीला कितना स्पष्ट हो कितना शुद्ध दूर है कि उस समय राधा जी से कहा और लेकर के जब कृष्ण के निकट में वो आएगी आपने देखा है तो राधा जी तो बेहोश होकर कृष्ण के सिर पर हाथ फेर जबकि राधा जी तो है महाभाव की मूर्ति है और कृष्ण महाभाव रस में डूबे दिए मूर्ति इसलिए कृष्ण की इस मूर्छा को कोई छुड़ा नहीं सकता। छुड़ाने वाली एक मात्र राधा है दूसरे सखियों के द्वारा भी संभव राधा जी आत्म के कृष्ण के सिर पर जब हाथ फेरने लगी तो राधा जी के हाथ में क्या है सजी वाली औषधि कृष्ण को जीवन दान देने वाली औषधि राधा जी की पर कमल में इसलिए जय संजीवनी।
निकुंज दे दिव्य प्रमोद रस सार योगी प्रमोद रस का सार कहाँ नहीं संजीवनी औषधि कृष्ण के सिर पर हाथ देते ही धीरे धीरे कृष्ण की मूर्छा खुल जाती है धीरे धीरे योगियों बने थे तो बोला खोल करके देखा कि जिनके लिए तेरा मैं मुश्किल है बजी राजधानी सामने उन्हें देख करके और आनंद में और खुशा में आनंद होना चाहिए ना परंतु आनंद में क्या हो रहा है बुरा आ रहा है आशुवाद नहीं मात्र में आशुवाद है बोले लेकिन ये नहीं कभी वक्त पे और मुझे नहीं श्यामा श्याम का जहाँ मधुर मिलन होता है राधा जी की आप चुन लेती है उस समय बेटी तो बने लगती है ऐसे श्यामा श्याम के दुश्मन रो रहे हैं एक दुश्मन के लिए और मधुर भाव में विभाग पर कितना बैठे थे हो जाता है इस प्रकार मार्मिक रूप में राधा कृष्ण का जब मिलन होता है वहां जो सखी खड़ी है वो रोम राधा जी की चीत रही उनको कितना आनंद हो रहा होगा बताइए तो राधा कृष्ण को मिल करके जो आनंद अनुभव हो रहा है उससे कहीं अधिक आनंद और मेरा सौभाग्य मैंने उपयुक्त समय में का अवसर में मुझे लगा चुके राधा कृष्ण का मुझे मिलन करा और उस मिलन के आनंद में उल्लसित है इसलिए श्री रघु गुरु साहिब बात नहीं रहा भाव दान कर एक दिन दिल्ली में ही कोई नॉर्वे की तरफ नॉर्थ यूरोप की एक दीदी ने मुझसे पूछा कौन प्रश्न के भाव दासा जी किसको कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण की सोलह शक्तियों का वर्णन किया
श्री प्रभुपाद जी ने अनुभाष्य में कहा कि जनचंद्र के अनुभाष्य में कि भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, उनमें सोलह शक्तियों को प्रधान बना दिया। सोलह शक्तियां जैसे श्री भूलीला संयोगिनी योगिनी लादिनी कुचिपनी आदि आदि शक्तियों का नाम दिया हुआ है। सारी लीलाओं को संगठन करने वाली जो शक्तियां श्री शक्ति लक्ष्मी की है, वो शक्ति पृथ्वी देवी है, लीला शक्ति जिनके द्वारा सारी लीलाएं होती है, और संयोगिनी शक्ति भक्तों को परिजनों को मिलन कराने वाली शक्ति, वियोगिनी जो कि कृष्ण का विप्लव को विच्छेद करा, तो ये वियोगिनी शक्ति है। इसी प्रकार लालनी शक्ति कृष्ण के आल्ला ने काफी काम किया, कृष्ण का आत्मवर्धन करती है। उन शक्ति के जो प्रकाश जो गोपियां है और सभी का आत्मवर्धन करते हैं, जिससे ये शक्तियां फिर से उद्भूत हो जाती है और आनंद में भरपूर होकर के भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ब्रज गोपियां का है और पुण्य लीला की अवस्था में और तो मंगल आरती करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, मंगल आरती जैसे होती है इसका वर्णन भी कर रहे हैं। जैसे पुण्य में सखियां जगाती है वैसे सुर सारी का आदि पक्षी जगह की बेटी राधा कृष्ण को जगाती है। किस प्रकार से जगाते हैं ये सारी बातों का वर्णन हुआ कि भगवान कृष्ण को कैसे जगा, कैसे उनकी प्रार्थना की। केवल सखिया जगाती है ऐसी बात नहीं है, क्यों लगता है सखिया क्या करती है और बाकी है पूर्णमासिया जो मैं वो भी पहले पंदरी को लगाती है बड़े जा तो जावे फिर मुर्गा आकर के आवाज करने लगता है तो मुर्गा कुकुर भी आवाज करता है तो उस समय जोर जोर से आवाज करता है मुर्गा तो राजा जी बिगड़ जाती है। अरे कुकुर मजा मजा भीमता भीमता मजा क्यों नहीं है जब लोग ले जाओ कृष्ण के साथ में जाने को भी माता डाल दो। अभी कोई समय नहीं हुआ, अभी समय अभी नजर रात पे ही तुम शोर मचा रहे। इस प्रकार माता की अभिशाप देती है, गाली देती है और मुर्गा कोई अभिशाप देता है चले जा मरेगा। जितने बच्ची है वे भी और एक सब से लग जाते कि राधा कृष्ण को जगाना ही पड़ेगा। ये सभी निशान तो लेता है जैसे कल का उपवाद है जो गुरु जी के कमरे में नवोदय में हमने बताया था मिलायो कभी भी कोई ना
इस छाती को खा लेते हैं। अंदर में क्या है? प्राण। प्राणों में जो मुख्य प्राण है उसके उसके साथ में अंदर में छिपाके उन्हें रखूंगी, मैं बाहर कभी नहीं निकालूंगा। मिलन होता है शरीर से, शरीर का मिलन। पर राधा जी कहती है ना तो रमन ना हम रमन। कृष्ण भी कोई इंडिया रमन नहीं है, नहीं कोई स्त्री नहीं, वो रमन नहीं है। तुम मन अनुभव के सब जान कैसे पिस गया कि भाव के द्वारा प्रेम वो प्रेम कैसा है जो मन में आता है तो मन की गति बुद्धि की गति को भी पार करे पार मन बुद्धि को पार करके भावना में पहुंचे। राजा जी हमेशा भावना में स्थित है, भावना जगह होगी। जैसे कि प्रेम सरोवर की कथा में आप लोग जानते हैं, भावना में डूबी हुई है हमेशा। भावना कृष्ण सामने है या नहीं, बैठक को भी देखना कृष्ण के गोदी में भी बैठकर जैसे ही मधुमंगल से छोड़ा कि भावना चला गया, ये मधुसूदन चला गया। इतनी बात भी नहीं, ऐसी भावना में भाग राज्य में पहुंचे क्या मधुसूदन श्री कृष्ण मधुकर छोड़कर चले गए। कृष्ण की गोदी में बैठ कर के ये बात आ गई, बाहर को नहीं देख रही है, अंदर को देख रही, बाहर के शरीर से या गोदी में बैठ करके भी उन्हें अनुभव नहीं होता ही नहीं, भूल गए। इसलिए अंदर का अनुभव भावना में टूटी हुई है। कृष्ण से हमें छोड़ कर राधा जी रोटी तजी हो और इसके पश्चात मूर्ति धूल करके कृष्ण की रोजी लेकिन पड़ी। ऐसे गिरने से क्या तब कृष्ण जी कि राधा जी इस शरीर में नहीं है, शरीर के ऊपर मन बुद्धि को पार करके भाव राज्य में और भाव राज्य में हम भावना की प्रेम की मूर्ति। इसलिए कहा है उस भाव राज्य के जो भाव समुद्र के उतार तरंगे हैं लहरिया, लहरियों में कभी डूबती और कभी तैरती ये स्थिति ये भाव तरंग। इसलिए इस भाव तरंग में डूबे तब समझे परिवार तो समझना बैठा था के हृदय से हृदय को कैसे मिलाना है, विचारों से विचार को मिलाना है, भावना से भावना को जोड़ना है, तब तो गोविंद की सेवा होगी। अन्यथा नहीं हो पाएगी। गोविंद की सेवा करने के लिए भाव सदा हमें जुड़ना चाहिए। इसी कारण कहते हैं कि राधा जी कहती है कि ना तो रमण ना हम रमण, और कभी आनंद में हो रही है कभी विरह में, और उस समय कभी ऐसे उन्हें प्रतीत हो रहा है कृष्ण सामने आ रहे, स्मृति होने लगी है तो कृष्ण है, और कभी निरंतर स्मरण। इस प्रकार के सुहर मंदिर से राधा जी जो खोई हुई भाव पे हुई और यही भाव का जरा विवर्तन हो जाता है तो उसने क्या आप यह तब श्री कृष्ण हृदय से बाहर नहीं निकाल, अंदर से अंदर हम छिपा के रखें। जैसे कृष्ण जाओ तब तो मंत्र को मार करके ब्रज में प्रवेश किया, राधा जी के मंदिर में आए तब राधा जी आनंद में विवाह को करके थे, और सखी राज्य का आनंद हो
कई सके आज के आनंद की पैसा सिर दिले बांधव मंदिर हो बांधव मेरे मंदिर पे आए सिर ओढ़ पिया के सिर बार बरिशा छत्र पिया नहीं रहता सर्दी के समय कपड़े जैसा प्यार होता है सर्दी से छोड़ने को मन नहीं करेगा गर्मी के समय में ठंडी ठंडी कुलिया ठंडी ठंडी हवा कितना बड़े फायदा तुलसी रहे भारी बरसात में छतरी सिर पर लगा करके चल रहे जीवन का सहारा होता है बरसात से बचने का सहारा है और बीच दरिया में समुद्र में नाव जैसे सहारा है और उन्हें सहारा है उसी तरह से हमारे जीवन में श्याम सुंदर इतने प्रिय है जैसे सर्दी के विंटर के कपड़े हैं गर्मी के शीतल हवा है और बरसात के छतरी जैसे सहारा है और सहारा भी समुद्र में जैसे बोट होता है जीवन का सहारा प्राण कोई भी व्यक्ति यदि आचर भर करके मणि रत्न दे रहे हैं बोले ले लो तुम्हारे प्रियतम कृष्ण को दे दो हम ले करके जा रहे हैं कुछ समय के तो ही हम आचर भरिया यदि महानिधि पाणि तब हम किया दूसरे से न पठा आचर भर करके कोई महारत्न महानिधि दान दौलत दे दे इतनी उनके आश्रम में जाने हम बहुत बड़े और उसके साथ साथ इस सबका वर्णन किया है उनकी प्रार्थना बड़ा ही मधुर स्तुति की प्रार्थना कैसे लोगों ने आराधना की है फिर इस सबका वर्णन बड़ा ही सुंदर और हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमें ये क्वेश्चन उन्होंने रास्ते में आकर के बोले कि वहां जाने लगे यहाँ जल्दी से कोई बात नहीं है पर आज की परिक्रमा हम आ जाएंगे तो हम चल करें थोड़ा नाश्ता ले लीजिए यहाँ जलपान करके फिर हम चलते हैं ये धर्म मंडल में वहाँ दर्शन करके निकलना हुआ तो बैठेंगे राजा श्याम सुंदर में जाकर के बैठेंगे वही बताए करेंगे और शरीर बोले और उनके वहाँ से रास्ते में पड़ते उतर दिए हम लोग हमारे कृष्ण प्रिया जी के वहाँ पर जाएंगे उनके आश्रम में जो हमारे श्री मधुसूदन महाराज जी और श्री दामोदर महाराज जी वहाँ हैं और उनके वहाँ पर हम लोग